अस्सलाम वालेकुम जी, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। एक चीज आप याद रखिए कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन तमाम तर मोबाइल फोन टेप हो रहे हैं, जो भी कॉल आप लोग कर रहे हैं वो मॉनिटर की जा रही है, और यहां तक कि अभी कुछ प्रूफ सामने आए हैं कि व्हाट्सएप कॉल्स भी, बहरहाल उनका डेटा किसी ना किसी हद तक कुछ इदारों के पास मौजूद है। बहरहाल जो टेलीफोन कॉल नेटवर्क के ऊपर आप करते हैं वो तमाम तर मॉनिटर हो रही है, तमाम तर कॉल्स को सुना जा रहा है और रिकॉर्ड की जा रही है उस टाइम के लिए कि जब आपको बाकायदा से उनको सामने रखते हुए ब्लैकमेल किया जाएगा। ऐसी ये कॉल लीक की गई है जनाब जुल्फी बुखारी साहब की और बुशरा बीबी की। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल है, कॉल हुई है, ये एक रियलिटी है, उसके अंदर जो आवाज है वो जुल्फी साहब की है और दूसरी जो आवाज है वो बुशरा बीबी की है, यानी इमरान खान की बेगम की। और ये उस टाइम की कॉल है, मुबैन तौर पर ऐसा महसूस हो रहा है जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, यानी कि उनकी एक सिक्योर लाइन, मोस्ट सिक्योर लाइन, जिसे सिक्योर होना चाहिए था वो सिक्योर थी भी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मोबाइल फोन्स, उनकी कॉल्स को रिकॉर्ड किया जा रहा था, टेप किया जा रहा था, उन्हें सुना जा रहा था और अब वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ टोटे जोड़कर उन्हें मंजरेआम पर लाया जा रहा है। अब इसी कॉल का जो पहला टोटा था वो आज से कुछ अरसा पहले लीक किया गया था, जहां पर जुल्फी बुखारी को बुशरा बीबी यानी खान की बीवी कह रही है कि आप जाए और मार्केट में घड़ियां बेच दें, और इस तरह से ऐसे महसूस हो रहा है जैसे वो डायरेक्शन दे रही है। तो इसके ऊपर जुल्फी बुखारी ने कहा था कि हमारी बात तो हुई है, मेरी इमरान खान की बेगम से बात तो हुई है, लेकिन मुख्तलिफ टोटे जोड़े गए हैं। अब एक दफा फिर टोटे जोड़े गए हैं, लेकिन ये टोटे इस तरह से जोड़े गए हैं कि इमरान खान की बेगम के ऊपर डायरेक्टली टारगेट किया जाए। और एक दफा फिर जब इमरान खान ब्लैकमेल नहीं हुआ, जब इमरान खान नहीं रुका उसकी नंगी कॉल लीक करने के बाद, अब इमरान खान की बेगम को कॉन्ट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है, उसके करेक्टर और उसकी जातियात के ऊपर बात किसी ना किसी तौर पर लाने की कोशिश की जा रही है। और ये एक दफा फिर पाकिस्तान के अंदर जो होता आया है 75 सालों से कि किसी भी औरत को आप बदनाम कर दें, किसी भी औरत के खिलाफ बातें करना शुरू कर दें, किसी भी मर्द के साथ उसका झूठा सच्चा ताल्लुक जाहिर कर दें, तो आप उसके कैरेक्टर के ऊपर बातचीत कर सकते हैं, आप उसे दो नंबर कह सकते हैं, आप उसके खिलाफ कोई भी बात कर सकते हैं, आप उसके हर्जा सराई कर सकते हैं, आप उसकी जातियात के ऊपर बातचीत कर सकते हैं। और ऐसी एक भोंडी चाल, दो नंबर चाल अब चोटे जोलकर इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी के ऊपर किया जा रहा है। और यह बहुत ही अफसोसनाक है, यह बहुत ही अफसोसदा करने वाला है कि ये कौन लोग हैं जो टोटे जोड़ते हैं, ये कौन है जिन्हें इतनी ज्यादा इंटरेस्ट है कि वो एक सिक्योर लाइन की कॉल रिकॉर्ड करके और खवातीन के ऊपर कीचड़ उछालें, उनकी जातियात के ऊपर कीचड़ उछालें। अब जो कॉल लीक की गई है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर बुशरा बीबी की पहली आवाज आती है और तकरीबन 3 से 4 जगहों पर टोटे मुख्तलिफ जगह से जोड़े गए हैं। पहले जी बुशरा बीबी कहती है कि आपका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा, ये जुल्फी बुखारी से पूछ रही है। जुल्फी बुखारी कह रही है नहीं जी मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा। और फिर बाद में जाकर एक जगह पर बात होती है जिसमें बुशरा बीबी उसे कहती है कि कुछ रूहों का मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन आप भी मेरे से दूर क्यों हैं। यानी जुल्फी बुखारी कह रहे हैं कि वो बहुत लॉनली फील करते हैं, बहुत अकेला फील करते हैं। और बुशरा बीबी आगे से जवाब देती हैं लेकिन आप फिर भी मेरे से दूर क्यों हैं। और जुल्फी बुखारी कहते हैं कि वो इसलिए दूर हो क्योंकि आपने मुझे खुद से दूर किया हुआ है। अब ये बेशुमार चीजें हैं जो कि बहुत अलग हैं, यानी अगर आप उस 3 से 4 मिनट की जो कॉल लीक की गई है उसको सुने तो उसका कॉन्टेक्स्ट हकीकत में बन नहीं रहा, सेंस बन नहीं रहा, एक अजीब और गरीब सा के सीक्वेंस से वो सारी कॉल जोड़ी गई है। उसके बाद जनाब जुल्फी बुखारी कहते हैं एक जगह पर कि हम दोनों का कनेक्शन थोड़ा बेहतर हो। मैंने बुशरा बीबी जवाब देती हैं मैंने इसकी कोशिश तो की थी, अब मैं हर बात कह नहीं सकती लेकिन बहरहाल फिर भी नहीं हुआ, लेकिन मैं क्या करूं, आप मुझसे इतने दूर क्यों हैं। और ये ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पता नहीं जुल्फी बुखारी किससे मिलना चाह रहे हैं या किससे बातचीत करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रही है। बुशरा बीबी का वो सहारा ले रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि वो फलां से बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन बहरहाल उसको मुख्तलिफ टोटों की शक्ल में जोड़कर एक पूरा एक क्लिप बनाया गया और वो क्लिप अवाम में छोड़ दिया गया है। बहुत ही तश्वीशनाक है, ये बड़ा गंदा खेल पाकिस्तान के अंदर खेला जा रहा है जहां पर जातियात के ऊपर अटैक करना, खासतौर पर औरतों की, खवातीन की जातियात के ऊपर अटैक करना एक मामूल बन गया है और उनकी करेक्टर असैसिनेशन करना जैसे जरूरी सा अब महसूस हो रहा है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।